नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। दबंग प्रधान ने रोक रखा है गांव के नालियों का पानी, गांव के तालाब पर भी कर रखा है कब्जा। प्रशासन अधिकारियों को रखता है अपनी जेब में, ग्रामीणों से कहता है तुमने वोट नहीं दिया तुम्हारा कोई भी काम नहीं होगा। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। जिला प्रशासन कोरोना महामारी से पहले ही जूझ रहा है, उस पर डेंगू की मार उसके सामने और भी हमारा जिला प्रशासन दीवार बनकर खड़ा है। वहीं दूसरी ओर थाना जहानगंज के ग्राम सिरौंज की हालत बड़ी दयनीय है। यहां के दबंग प्रधान नरेंद्र सिंह यादव ग्राम के गंदे पानी का निकास बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीण पूरी तरीके से त्रस्त हैं। खबर कुछ इस प्रकार है, गाँव के मुख्य मार्ग पर विश्राम सिंह कठेरिया का निवास है, वहीं से होकर गांव का गंदा पानी तालाब में जाता है। रास्ते में प्रधान का खेत है, प्रधान ने अपने खेत को आगे बढ़ाने के चक्कर में नाली व पुलिया बंद कर दिए, जिसके कारण पानी का निकास बंद हो गया है और विश्राम सिंह कठेरिया के घर के सामने पूरी मुख्य मार्ग पर गंदा पानी जाम हो गया है। सूचना देने पर प्रधान ने कहा कि तुमने हमें वोट नहीं दिया तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, जहां शिकायत करनी है करो, सरकारी कर्मचारियों को मैं अपनी जेब में रखता हूं और किसी भी तरीके से मैं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से नहीं डरता, तुम्हें जो करना है वो करिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे का वीडियो, लेकिन एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में, किसी और समस्या को लेकर, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद। क्या नाम है आपका? रमेश। गांव कौन से गांव रहते हैं? सिरौंज जी। क्या दिक्कत क्या है बताओ? दिक्कत का जो वहाँ देखी जाए पानी में पानी भरो परियों तक लेकर पास नहीं। अच्छा। काम में लेकर पानी भरने का लाऊ तो प्रधान बनवाई नहीं सड़क जी? प्रधान बनवाई नहीं, बनवाई होती तो का जो बनी जवाई तो कर्म होते जी। प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान कह रहे हैं बनवाई नहीं, पर हम कैसे बनवावें? ऐसे नहीं आई रहू, 20 सड़क बजे पानी भरा हुआ है। क्या कहे दवाई खाली और करवाई दे, मट्टी हटवाई दे, अगर तुम ना हटे हो तो कह हम यहां हटवाई दे। तो हमारे मजबूरी थी सामने, तो भैया थोड़ी थोड़ी हटाई मट्टी जाम में थे। तुझे पूरा पानी भरो है तुम्हारे घर के सामने आए और हटिया जरा इनके द्वारे पे तो इधर बनना रखो यो जे एप्लीकेशन आपने दी है। हां कुल दई दे भाई। जाकर प्रधान कमी है, प्रधान हुआ खूब बनवाओ तो हमारे द्वारे खनाई बनवाओ। प्रधानों पास चल रहे, चले हो प्रधान में कटिया खड़ी करें, चल रहे प्रधान ही पास जा रहे हैं आपके। कोई पीछे करना जरा खाली हुई है जा खुली जा आती पुलिया कौन दिया है? पानी निकलने का रास्ता, पानी निकलने का रास्ता जो खेत पानी बंद हो यहाँ जाओ। जाए भैया जो खड़ा को दे खंडे तो होता है थोड़ी बहुत तालाब कब्जा करें, तालाब कब्जा करे खेत वो तराई लो। अच्छा ये नाली गई हो तालाब लो है? तालाब गई नाली, लेकिन नाली बात करें भैया हमारे लड़का कोई है ना, लड़का हमारे बजा दौरी कर ले हम गुजर दुख लगा। चलो ठीक है भैया, पढ़े ना ही लिखे ना ही मजूरा था तूरा खेत ना एक कूड़ो जो जहाँ अपने कछु घूरो लो डालना। चलो ठीक नहीं क्या तुम अपना समझना कब क्या कहते हैं अधिकारियों, क्या कहते हैं अधिकारियों का क्या हाँ के हमारो कछु ना ही करे। हाँ के मीडिया वाले आई जाए चाहे कोई आई जाए के इधर ही एप्लीकेशन दे रहा हूँ मेरो कछु ना ही हुई है। अच्छा भैया कोई बात ना ही ना हुई है हम तो जाइबे का लेकिन हमारे तो टाइम है ना भाई आलू फालू हुई है। अब भैया तो 20 बीघा गए तो तब हमारे 5 बीघा में तो जे नन्ने नन्ने बच्चा लगाए के तब होना खेती करता तब अपने बच्चा पान हैं तो जो ना ये कोई हमें एक बीघा लो खेत लो फिर दान कोई दिवाई दे। चलो ठीक।